2000 मसीहा रु आरंभ होइथिबा ई कार्यक्रम आज विराट रूप धारण करिछि। मिशन शक्ति रे महिला माने शामिल होई निजकु सशक्त करिवारे मध्य अनेक मात्रा रे सक्षम होई पारिछंती। सेहि भली महिलांकर आर्थिक विकास मध्य अनेक मात्रा रे होई पारिछि एवं मिशन शक्ति कथा जेतेबेले कुहा जाय मिशन शक्ति बिजेडी रो मानस पुत्र बोली कुहा जाय कारण बिजेडी सरकार अमल रे ही एई मिशन शक्ति आरंभ हुए एवं यहाँ भितर मिशन शक्ति एक विराट रूप धारण कर सारी एवं सबुबले चर्चा होता मिशन शक्ति कारण पई बिजु जनता दल लगातार भाव में सरकार को आसुला कारण मिशन शक्ति महिला माने बिजु जनता दल बा बिजेडी को भोट दे आसुले किंतु परिवर्तन रो नारा रे सबुकिछि परिवर्तन होइगला एवं ओडिशा रे बा आम राज्य रे भारतीय जनता पार्टी वर्तमान सरकार गठन कर आग को काम आरंभ करिछि। ए परिप्रेक्षी जिते बड़े चर्चा है सरकार परिवर्तन होउछि एवं मिशन शक्ति कहिले बिजु जनता दल को बुझा जाउथिला तेणु गोटे समस्त मनरे द्वंद्व आसला कि मिशन शक्तिर भविष्य कौन हे किंतु गत काली आम देखिले जिते बड़े मिशन शक्तिर समीक्षा कले कार्यक्रम समीक्षा कले विभागीय मंत्री अर्थात उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा एवं तापर से सूचना देले कि मिशन शक्ति बंद हेबनी बर मिशन शक्तिर आकार और रूप आहुरी बड़ हेबो। मिशन शक्ति जी कार्य करुले जी कार्य पाते अधिक कार्य करेंगे अधिका अधिका कार्य काम करेंगे एवं राज्यर उन्नति दिगरे राज्यर विकास दिगरे महिलांकर भूमिका जथेष्ट मात्रा रे बढ़िबो बा गुरुत्व आहुरी बढ़िबो। एक कथा कहिबा परे वर्तमान चर्चा कि भारतीय जनता पार्टी वास्तव में कहीं इच्छा प्रकाश कला बा कहीं चाहिए मिशन शक्ति को कंटिन्यू करने बा आगो को यह परिचालना करने तार किसी प्रमुख कारण मुझे जनवाप चेष्टा करुच्ची। प्रथम कारण हूँ सबुठ बड़ भोट बैंक कहीं मिशन शक्ति चालू रखिला बीजेपी सरकार ए प्रश्न जितेबले आसीबो स्वाभाविक भाव में प्रथम कथा कह सबुठ बड़ भोट बैंक जदि आम राज्यर भोटर संख्या देखा तेल तीन भाग रू भागे होती मिशन शक्ति महिला भोटर अर्थात महिला भोटर संख्या अधिक तेणु सबुठ जिते गोटे बड़ भोट बैंक रही भोट बैंक को हाथ छड़ा करने चाहिए सरकार और मिशन शक्ति फोकस कर भारतीय जनता पार्टी सरकार और मिशन शक्तिर आग को आहरी केमी अभिवृद्धि हे मिशन शक्ति केमी आग को आहरी कार्य कर प्रचार प्रसारित हो पार से दिगरे सरकार गुरुत्व देखते तेणु प्रथम कारण हूँ सबुठ बड़ भोट बैंक थिबारु सरकार यह नजर रखिंट। से भाई द्वितीय कारण हूँ 70 लाख महिला संप्रुक्ति आम समस्त जाने राज्यर कोण अनुकोण में गाँ गहली सबुआड़े SHG ग्रुप बा स्वयं सहायक ग्रुप बा गोष्ठी रही गोष्ठी में रही 70 लाख महिला एथिरु आपण बुझिपारुथिबे महिलांकर संख्या केते रही सरकार काहीकि वर्ग को गोष्ठी उपरे सर्वदा नजर रखी था SHG जरिया संगठित होती महिला तेणु महिला जिते बड़े मनस्थ करती सबकि हो जाए ओडिशा रे मध्य आम से भाई किसी परिवर्तन देखिलु तेणु जिते बड़े राज्य में पाखापाखि 2 कोटी अढ़े कोटी पाखापाखि भोटर अच्छा ता भितर SHG रो महिला होती 70 लाख एवं आम राज्यर विशेषत्व हूँ पाखापाखि 50% महिला भोटर और 50% पुरुष भोटर से दृष्टिकोण 70 लाख महिला जितेबले मिशन शक्ति अच्छा विभिन्न गोष्ठी जरिया अच्छा यार गोटे बड़ प्रभाव रही है राजनीति उपरे तेणु सरकार बा भारतीय जनता पार्टी एक चिंता करुच्ची जेहेतु 70 लाख महिला संप्रुक्ति रही ए योजना को आगक नापी से तृतीय कारण हो पाए महिला आर्थिक स्तर में सशक्त करवा आम एक समस्ते जाचे जिते बड़े महिला स्वावलम्बी हे आर्थिक दृष्टिकोण बेस शक्त से परिवार एवं परिवार आगेले राज्य मध्य आगे देश मध्य आगे तेणु यार मुख्य उद्देश्य हूँ महिला को आर्थिक स्तर में सशक्त करने तेणु ए उद्देश्य कहार कौन प्रकार द्वंद्व ना कौन प्रकार प्रश्न ना महिला जदि सशक्त हे देश आगे राज्य आगे ये कौन सन्देह ना तेणु यह हूँ गोटे तृतीय कारण कि मिशन शक्ति को चालू रखा भारतीय जनता पार्टी सरकार निष्पत्ति नहीं चतुर्थ कारण हूँ गाँव गुड़िकर उन्नति हे आम देखुचे बर्तमान गाँ ठू सहर जोगाजोग पथ सुगम हो सहित महिला मैंने गाँव रू बाहरी वर्तमान सहर में मिशन शक्ति जरिया हो निज गोष्ठी जरिया हो विभिन्न कार्यकलाप कर बैंक जवा हो बैंक ऋण आणवा हो सहित बजार बजारीकरण कौन प्रकार द्रव्य बिकाय विभिन्न मिशन शक्ति भवन सृष्टि विभिन्न जगार कार्यक्रम चली अनेक प्रदर्शनी रही सबू जगह को मध्य महिलांकर जीवा आसीबा रहूची तेणु जेतेबेले जोगाजोग हेबो महिला गोटे जगार अन्य जगह को बाहरिबे विभिन्न कथा देखिबे विभिन्न जिनिस जानिबे महिला मानंकर निश्चय उन्नति हेबो बा महिला सशक्त हेबे एवं महिला सशक्त हेले गाँ गुड़िकर मध्य उन्नति होई पारिबो। सेहिभली 5 नंबर कारण हूँ 6 लाख 2000 स्वयं सहायक गोष्ठी भागीदारी रही जमी आम जाने आम राज्य में प्रति गाँ गंडार स्वयं सहायक महिला गोष्ठी रही पाखापाखि 6 लाख 2000 गोष्ठी रही तेणु एत संख्यक महिला योगदान और भागीदारी को अणदेखा करना सरकार से भाई षष्ठ कारण हूँ पुरुष प्राधान्य समाज में महिला जीविका जोगान करवा अर्थात महिला को जदि रोजगार मिले तो महिला गोटे गुरुत्व बढ़ समाज
सप्तम कारण होची सरकारी योजना एवं कार्यक्रम संपर्क रे सचेतनता सृष्टि करबा उद्देश्य कारण जेते सरकारी योजना कार्यक्रम रहीची महिला माने से संपर्क रे अवगत होई पारंती गोष्ठी द्वारा तेणु ए सब कारण पई कहा जाई पारे कि मिशन शक्ति योजना को वर्तमान राज्य सरकार बा भारतीय जनता पार्टी सरकार आगो को नबा पई चाहू चंती वरिष्ठ सांबादिक शीतल तरंग बेउरी आम सहित रहू चंती आमे संपर्क रे आलोचना करबा श्रीयुक्त बेउरी आपनकु स्वागत करूची मिशन शक्ति बा महिलांकर भागीदारी ए कथा को समस्त स्वीकार करिवे मिशन शक्ति जरिया रे तेणु वर्तमान भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वंद्व हटाई दला कारण मिशन शक्तिर भविष्य को नहीं मध्य अनेक चर्चा होता प्रथम तो सरकार निष्पत्ति को आपन केमिति ग्रहण करुचंती केमिति वर्णना करिवे ना विभु देखो मुझे एटा गोटे खूब भल निष्पत्ति कंटिन्यू करवा खाली कंटिन्यू करवा नुह स्ट्रेंथनिंग करने आउरी स्ट्रेंथनिंग जमी हम से जो मिशन शक्ति मिनिस्टर आउ डेप्युटी चीफ मिनिस्टर से कहते भी केमती आउरी सशस्त्र हे महिला माने केमती आउरी एम्पावर्ड हे से करेंगे तेणु मुझे भावुची जे एटा ठीक निष्पत्ति आउ देखो विभु जो गोटे पुराणा सरकार जाए एवं नुआ सरकार आसे से नुआ सरकार कर्तव्य होची जे पुराणा सरकार अमल में जो सब भल भल योजना बा स्कीम थाए जोटा द्वारा कि लोक माने उपकृत हूँ तांको कंटिन्यू करवा हाँ सबु स्कीम रे किछि ना किछि लूपहोल्स थाए किछि ना किछि विकनेसेस थाए ताकु रेक्टिफाई करवा ताकु सील करवा से जो विकनेसेस एंड जो लूपहोल्स अछि ताकु सीमेंट करवा एटा होची नुआ सरकारकर दायित्व तेणु मुझे भावुची जे एटा किछि कोनोसी भूल करना भल भल कर कंटिन्यू करी आपण कहले जे काहीकि चाहूंती आगुरु बीजेडी चाहूला मिशन शक्ति को आहरी स्ट्रेंथन करने एबे बीजेपी चाहूँगी आपण बहुत गुड़े कारण कले भितर गोटे कले जे आप फाइनेंशियल एम्पावर्ड यही जो मिशन शक्ति से फाइनेंशियली एम्पावर्ड करमेन मान को जोटि एसेंशियल वेरी वेरी एसेंशियल आम देश आम राज्य ए द्वारा हेले कौन हम ना सोसाइटर ओवरऑल उन्नति हम आपड़ कहले गोटे भोट बैंक निश्चित भाव भोट बैंक किंतु पॉलिटिकल पार्टीज माने ए भोट बैंक को ग्यारंटी भाया नवा उचित नुहे कहीं जदि भोट बैंक था से भोट बैंक बीजेडी पाखे था कंटिन्यू करता हुए तो आज बीजेपी आसी पार न था कहीं तेणु आपण जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हो से माने ए जो मिशन शक्ति भाया ऑर्गेनाइजेशन गुड़ा को मैंने मिशन शक्ति अंडर जो सब ऑर्गेनाइजेशन वुमेन ऑर्गेनाइजेशन ताकू आप ग्यारंटी जे आप गोटे से वोट बैंक क्रिएट करदे और से सब आपको वोट दौथे से भावना अनुचित यहाँ ये इलेक्शन से प्रूफ कर तेणु जहाँ भी हो आपणकर जो चली प्रोजेक्ट चलती मिशन शक्ति यहाँ कंटिन्यू करवा उचित आटा आहरी स्ट्रेंथनिंग करवा उचित जोटा कि ए गवर्नमेंट करिवो बोली मोर आशा आउ अनाउंसमेंट भी ए संक्रांत रे करि सारचंती डेप्युटी चीफ मिनिस्टर बिल्कुल सरकार रे किए रहुची किए जाउची जेतिकि गुरुत्व रखेनी राज्यर विकास केते होउची सामूहिक प्रगति केते होउची तार गुरुत्व होउची जथेष्ट एवं मिशन शक्ति जे कोनोसी एक निर्दिष्ट सरकार रो बा निर्दिष्ट सरकार सहित रहिबो ए कथा मध्य नुहे जदि ताहा होइथांता ताहेले परिवर्तन मध्य होइ नथांता तेणु ए गोटे मध्य मिशन शक्तिर महिला हुवंतु बा राज्यर महिला हुवंतु गोटे स्पष्ट बार्ता देइछंती जे तांको पई काम करिबो ठीक रे तांकु देखाराखा करिबो बा तांको कथा बुझिबो सेमाने सेही सरकार सहित रहि पारंती नचेत परिवर्तन मध्य करि देबे नै डेफिनेटली देखंतु ये जो मोर गोटे पर्सनल ओपिनियन होची जो परिवर्तन हला एठी बीजेडी गला और बीजेपी आसला बीजेडी गवर्नमेंट रो परफॉर्मेंस पाई बीजेडी पावर रु गलानी तार अन्य कारण थिला और से अन्य कारण टा बहुत डिबेट और डिस्कशन हो सारा तार आउ आवश्यकता ना तेणु आपण जो जहाँ स्टेप नहीं बीजेपी गवर्नमेंट नुआ बीजेपी गवर्नमेंट जे जो पुराणा गवर्नमेंट थिला तार जो भल भल स्कीम गुड़ाक कंटिन्यू करेंगे आउ कंटिन्यू करवा सांगे सांगे से ही सब स्कीम विभु आप जान था प्रत्येक स्कीम रे किछि ना किछि विकनेसेस थाए किछि ना किछि कोणा थाए लूपहोल्स थाए गुड़ाक बागेबा एटा होची नुआ सरकार दायित्व एवं कर्तव्य मोर आई एम श्योर जो नुआ सरकार आसी एटा को ठीक भाव भल कि जानते आउ सी रेक्टिफाई करेंगे आउ एटा आउरी सशस्त्र हम सो दैट आमर जो वुमेन अच्छा पर्टिकुलरली रूरल एरियाज रे आउ सेक्शन ऑफ अर्बन इन द सेंस स्लम एरिया वगैरह वगैरह
ସେଠି ସବୁ ମହିଳାମାନେ ଆହୁରି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ଏମ୍ପାୱାର୍ଡ ହେବେ, ହୁଚ୍ ଇଜ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ଲି ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ଫର୍ ଆୱାର୍ କଣ୍ଟ୍ରି, ଫର୍ ଆୱାର୍ ଷ୍ଟେଟ୍, ଆଉ ଆମ ସୋସାଇଟି ପାଇଁ ବି. ତ ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ଯେଉଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ ଠିକ୍ କରିବେ. ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବେହୁରୀ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯେମିତି ମିଶନ ଶକ୍ତିର ମହିଳାମାନେ ସେ PDS ସାମଗ୍ରୀ ବଣ୍ଟନରେ ହଉ ବା ମଣ୍ଡିରେ ବା ଧାନ କିଣା ହଉ କିମ୍ବା MDM ବଣ୍ଟନ ହଉ, ଏଭଳି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭାଗୱାରି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପାଖାପାଖି 19 ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବିଭାଗ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି. ଏହାର ପ୍ରଭାବକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ଦିଗରେ, ମହିଳାଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ଦିଗରେ ଏବଂ ସମାଜ ସୁଧାର ଦିଗରେ? ଡେଫିନେଟଲି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଆହେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି, ଏହାଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେମାନେ ଏମ୍ପାୱାର୍ଡ଼ ହେବେ, ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ଆଜ୍ ସୋସାଇଟି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସିସ୍ ବି, ସେମାନେ ବି ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଦନ୍, ଆହୁରି ସେମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବେ. କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଟା ବି ଏନ୍ସିଓର କରିବା ଉଚିତ ଯେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ କାମ ଠିକ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ନା. ବେଳେବେଳେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ ଗ୍ରୁପ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ମୁଁ କହୁନି ସବୁ ଜାଗାରେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଠିକ୍ରେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି. ସେଇଟା କେମିତି ସେମାନେ ଠିକ୍ରେ କାମ କରିବେ ସେଇଟା ଏନ୍ସିଓର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ. ତା'ର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଦେବି. ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଣି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ୱୁମେନ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି. ମୋତେ ଜଣେ ରିଟାୟର୍ଡ଼ ଲୋକ କହୁଥିଲେ, ନିଜ ଘର କରିକି ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଉଟସ୍କର୍ଟରେ, ଯେ ତାଙ୍କର ସେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ଏରିଆ ଭିତରେ, ଆଉ ସିଏ ତ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜଳ ପାଣିର ଯେଉଁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନେବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ତାଙ୍କୁ ଦେବା କଥା ବିଲ୍ ଦେଇକି ନେବା କଥା, ସିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବେଳେବେଳେ ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି, ମାନେ 12 ମାସରେ ଥରେ ଆସିଗଲେ. ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଡ଼ନ ପଡ଼ୁଛି, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି. ତ ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ଏନ୍ସିଓର କରିବା କଥା ଯେ କେମିତି ଆପଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି ସେମାନେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ କରୁଛନ୍ତି. ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟାକୁ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବେଉରୀ. ଅନ୍ୟପଟେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଦିଗରେ ତ ଆମେ ଅନେକ କଥା ହେଉଛେ ଏବଂ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ କି ଏହାର କଳେବର ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ମହିଳା, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଭାଗ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଚଳିତ ସରକାର ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ନୂଆ ଆଡ୍ ଅନ୍ କରିପାରନ୍ତି ବା କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରନ୍ତି? ମିଶନ ଶକ୍ତି ପାଖରେ ଆଉ ସ୍କୋପ୍ କ'ଣ ଅଛି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ? ବହୁତ ସ୍କୋପ୍ ଅଛି, ଅସଂଖ୍ୟ ସ୍କୋପ୍ ଅଛି. ମୁଁ ତ କହିବି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇକି ଅନ୍ୟ ସବୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବି ଆଲାଉ କରାଯିବା ଉଚିତ. ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ଆମର ପୋଲିସ ଫୋର୍ସରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସର୍ଟେଜ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେବ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ, ସେମାନେ କ'ଣ ଯାଇକି ମିଶନ ଶକ୍ତିର ୱିମେନ୍ ମାନେ ଯାଇକି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଡ୍ୟୁଟି କରିପାରିବେନି? କରିପାରିବେ. ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଡେଫିନେଟଲି କରିପାରିବେ, ଆଉ ବର୍ଡ଼ନ ବି ପଡ଼ିବନି ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କି ଷ୍ଟେଟ୍ ଏକ୍ସଚେକର ଉପରେ ଯେଉଁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି. ମିଶନ ଶକ୍ତିକୁ କିଛି ନା କିଛି ସରକାରୀ, ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପୋଷ୍ଟ ଖାଲି ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଟର ଇଜ୍ ଏତେ ପୋଷ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେମାନେ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ୱିମେନ୍ ମାନଙ୍କୁ ସେଠି ଯଦି ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ତାଦ୍ୱାରା ଡବଲ୍ ବେନିଫିଟ୍ ହେବ, ଏହାଦ୍ୱାରା କାମ ହେବ. ଆଟ୍ ଦି ସେମ୍ ଟାଇମ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏକ୍ସଚେକର ଉପରେ ଏତେ ବର୍ଡ଼ନ ପଡ଼ିବନି, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ଲୋକ ସେଠି ରଖିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ପେନ୍ସନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆଭଏଡ୍ କରିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ଏକ୍ସଚେକର ବି ର ଗୋଟେ ଲିମିଟେସନ୍ ଅଛି, ଆମର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ହୁ ହୋଇକି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ସେଥି ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଉ ଆମର ଇନକମ୍ ଏତେ ବଢ଼ୁନି ଯେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୟାଟର କରିପାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ. ସେଇଥିପାଇଁ ତାର ଗୋଟେ କାରଣ ହେଉଛି ଆପଣ ହସ୍ପିଟାଲ ଗୁଡ଼ା ଭଲରେ ରନ୍ କରିପାରୁନି, କାହିଁକିନା କ'ଣ ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ପଇସା ନାହିଁ. ଅର୍ଥାତ୍ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ମହିଳାଙ୍କୁ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ର ଏସବୁ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇପାରେ ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିଲେ 2 ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଭିତରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଆଜି ଗୋଟିଏ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର ଚାହୁଁଛି ମିଶନ ଶକ୍ତିକୁ ଆହୁରି ସମୃଦ୍ଧ କରିବା, ଆହୁରି ସଶକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ଆଉ ଏକ ଭିନ୍ନ ସ୍ତରକୁ ନେବା ପାଇଁ. ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା ବାନ୍ଧିବା ରାଜ୍ୟର ବିକାଶରେ ମହିଳାଙ୍କର ଭାଗିଦାରୀ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଏକ ବିକଶିତ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଗଠନ କରିବା. ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶୀତଳ ତରଙ୍ଗ ବେଉରୀ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ପାଇଁ।